ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 92, 13th of October 1992 की अवैधवाणी। टाइटल है, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों को अंधकार से दूर करने वाले, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले चैतन्य दीपकों प्रति सत शिक्षक बाप दादा बोले। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले कॉर्डलेस स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। मान लीजिए कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो टाइम स्पैन बहुत अलग होता है, तो डेट अलग हो जाएगी, परंतु मुरली तो एक ही चलेगी ना। फिर भी बाबा कहते हैं नंबर वार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना? लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य को लक्षण मिलाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना, इसमें मुश्किल क्या है? और चार वही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक संबंध ज्ञान, अगर एक सब्जेक्ट देखें हम, चारों सब्जेक्ट्स का संबंध बता रहे बाबा, तो एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अलफ और बे कहते हैं। पूरे ज्ञान का सार तो यही है ना। देखो, ज्ञान आया तो धारणा भी हुई, रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परम आत्मा परिचय प्राप्त हुआ, संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात के बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना, ज्ञान और योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वह योगी तो आत्मा अवश्य ही है, क्योंकि ज्ञान जितना अंदर उतरता जाएगा, उतना ही योगी स्वरूप भी नेचुरल होता जाएगा। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ न? जैसे ज्ञान और धारणा का संबंध देखा, ऐसे ज्ञान और योग का भी संबंध हुआ। ज्ञानी तो आत्मा, ये भी हमारी स्थिति है, नेचुरल स्थिति है, ओरिजिनल योगी नेचर बन चुका है ना हम सभी का। हाँ जी बाबा, कभी भी मुख से ये ना निकले कि हम चाहते नहीं थे पर हो गया। बाबा कहते हैं ये कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में हो नहीं सकते,
ब्राह्मण जीवन की तो ओरिजिनल नेचर हो गई शक्तिशाली की। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि हो गया, पता नहीं करना नहीं चाहते थे, नहीं, मेहनत से मुक्त योगी जीवन माना नेचुरल जीवन, सहज जीवन। बाबा कहते हैं ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे है ज्ञान योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। एक एक गुण के पीछे पड़ेंगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। ये ज्ञान को ही स्वरूप में ला दे तो ऑटोमेटिकली योगी जीवन। पहले फाउंडेशन फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान मेरा, जैसे ही उसे प्रैक्टिकल में जीवन में अपनाया तो योगी हो गए, और उसको जब करते वक्त भी, कर्म करते वक्त भी योगी स्थिति हो गई तो कर्म योगी हो गए, अर्थात धारणा स्वरूप हो गए, और उसी स्वरूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो भी कार्य करेंगे, जो भी स्थूल, चाहे मन से, चाहे बुद्धि से, चाहे धन से परमात्मा सेवार्थ करेंगे, तो वो सेवा का भाग्य जमा हो गया। तो हो गई ना सहज योगी जीवन, सहज ज्ञानी जीवन, धारणा मूर्त जीवन, और मास्टर दाता बन जाते हैं तो हो जाती है दाता अर्थात सेवाधारी जीवन। है ना, सभी ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में परिपूर्ण हाथ ऊपर करें। दाता देने के बिना नहीं रह सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा क्या? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार है, समझाने में भी सभी होशियार है, लेकिन नंबर वन बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन नंबर वन होंगे। है ना सभी ऐसे ही ज्ञान और स्वरूप को नेचुरल प्रैक्टिकल में लाने वाले, सभी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हैं ना। हाथ ऊपर करे जो समझते हैं फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हैं। ना पुरुषार्थ तो समझते ही है ना सभी। बाबा कहते हैं तो जैसा संकल्प करेंगे वैसे सिद्धि होगी। तो ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है तो जीवन में मूल संस्कार के रूप में वा मूल नेचर के रूप में वा सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। आज 10 घंटा के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी है, योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे। इसलिए वह भी आवश्यक है, लेकिन इसीलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो,
उसके लिए तो नहीं, अभी इतना तो नहीं सब ऊपर नीचे होते हैं ना। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है। हम लोग जो संगठन में पुरुषार्थ करते हैं, संगठन में योग करते हैं, तो ये भी सेवा के निमित्त है। लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। कनेक्शन तो जुटा हुआ है ना बाबा के साथ में। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना, सभी है ना ऐसे ही स्वरूप में लाने वाले पढ़ाई को। हाँ जी बाबा। अच्छा 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे संगठन में, विशेष बाबा के घर के लिए। आज रात्रि सोने से पहले बाबा को सच्चाई और सफाई से कह दे कि आज जो हमने स्वमान का अभ्यास किया, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ, ये कितना परसेंटेज स्वरूप में लाया? क्या सूक्ष्म में भी मेरी किसी से कुछ मांगने की इच्छा तो नहीं होती है? 100% इच्छा मात्र अविद्या बन गए हैं। जो बाबा खिलाए, जो बाबा पहनाए, जैसे बाबा रखे, जहां बाबा रखे, हर हाल में खुशहाल है। बाबा को फिर के अपने भाव व्यक्त करके सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करके फिर सोएंगे, और कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन विशेष रक्षाबंधन स्पेशल अव्यक्त वाणी तो अभी सुनी हमने। आज का अव्यक्त वाणी में भी हमने सेवा में यही सुना कि दातापन के संस्कार, तो परमात्मा बाप दाता हमें मास्टर दाता बना रहा है ना। कल रक्षाबंधन पे उस दाता परमात्मा बाप से राखी का सूत्र भी बांध देंगे, अव्यक्त मिलन भी मनाएंगे अमृत वेला कॉमेंट्री में।
और मुरली भी सुनेंगे, तो 3:30 से 4:30 योग और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 9:15। ओम शांति, शुभ रात्रि।